अब ब्रेन जो है ये दो हिस्सों में विभाजित है, लेफ्ट और राइट, और हमें आदत पड़ गई सुपरफिशियल, सिर्फ बिल्डिंग को देख के ही हम अपना वो रिजल्ट कर देते हैं सुपरफिशियली। और ब्रेन को भी जो हम सुपरफिशियल लेवल पे इस्तेमाल करते हैं, लेफ्ट ब्रेन लॉजिक, खाली तर्क ही देते हैं, विवाद करते हैं, और राइट ब्रेन ये क्रिएटिव, आपके अंदर क्रिएट करने की, नया कुछ क्रिएट करने की, जो साइंटिस्ट हैं उनका राइट ब्रेन एक्टिव होगा और जो तर्क देने वाले हैं उनका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव ज्यादा होगा। तो ये आप देख रहे हैं ये लेफ्ट ब्रेन आपके राइट पोर्शन को कंट्रोल करता है, राइट ब्रेन आपके लेफ्ट पोर्शन को क्रिएट करता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये आपका जो शरीर है, मैं ही शिव हूं, भगवान शिव का दूसरा उदाहरण क्या है, अर्ध नारेश्वर है कि नहीं, अर्ध नारेश्वर। तो वो अर्ध नारेश्वर जो है आधा स्त्री आधा पुरुष, लेफ्ट वाम भाग पार्वती, साम भाग शिव। और ये जो है खाली पौराणिक नहीं है, मेडिकली ऑल्सो जो मनुष्य है उसके अंदर फीमेल हार्मोन भी सिक्रीट होते हैं ईस्ट्रोजन, और मेल हार्मोन्स प्रोजेस्ट्रोन वो भी सिक्रीट होते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा चीज, जो मनुष्य है जो पुरुष है वो तर्क करता है, वो हिट करता है, आदत है कि नहीं, वो सीधा जितनी, और ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है जिसमें ज्यादातर ये होता है बस, और तर्क दे देंगे। सत्यता अंदर योगी ही जा सकता है या स्त्री जा सकती है, ये मैं प्रकृति बता रहा हूं, मैं कोई विवाद नहीं कर रहा। स्त्री और योगी, जो योगी हो गया पुरुष वो गहराई में जा सकता है, और जो स्त्री है उसको उसका वैसी प्रकृति बनाई है कि वो गहराई में जा सकती है। पुरुष जो है अगर खाली पुरुष भाग होगा वो तर्क करेगा। अब बहुत इंटरेस्टिंग, ये लेफ्ट ब्रेन तर्क ये कौन से हिस्से को कंट्रोल करता है, राइट भाग क्या है, चाइनीज में यिन एंड यान, यिन स्त्री यान पुरुष, तो किसको कंट्रोल करता है, पुरुष को, समझ आ रहे कि नहीं, तर्क वाला। और राइट ब्रेन ये क्या है, क्रिएटिव, रचना पैदा करना, स्त्री क्या करती है, पैदा करती है, शी इज द क्रिएटर, वो संतान को क्रिएट करती है, वो जो घर है उसको क्रिएट करती है, जो फैमिली है उसको क्रिएट करती है, जो भोजन है वो उसको क्रिएट करती है, जो घर में सुख है उसको क्रिएट करती है, इट्स अ क्रिएशन। और ये राइट ब्रेन जो है ये किसको क्रिएट करता है, किसको कंट्रोल करता है, लेफ्ट पोर्शन, दैट इज द फीमेल कंपोनेंट, दिस इज यिन एंड दिस इज यांग, समझ आ रही है साइंस की नहीं आ रही। इसलिए जो लोग कहते हैं ना ये स्त्री के लिए ये नहीं ठीक है, खाली पुरुष ही कर सकते हैं, वो लेफ्ट ब्रेन वाले हैं, वो बेचारे हैं, क्योंकि माइंड जो पावर है 100% उसका, ये जो कॉन्शियस माइंड है जो कि ब्रेन से जो निकलता है दैट इज 4%, और 4% से भी 2% इधर 2% इधर, तो वो जो इतने तर्क देते हैं ये फलाना वो नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता, उसको थोड़ा बेचारा बोलना, क्योंकि वो सिर्फ उसका 2% मन की पावर का वो इस्तेमाल हो रहा है, वो बेचारे 2% बैटरी से चल रहा है, वो कुछ भी बोलता है, क्षमा करना उसको,